सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सेम एपिसोड। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों में सब मौज ले रहे होंगे। तो आपका वाइब एकदम मस्त है। पहली वाली वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें बोला होगा कि हम कहाँ आ रखे हैं, ठीक है। सस्पेंस बना रखा था तो उत्तरकाशी तक तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन उसके बाद ना GoPro वगैरह सब बंद हो गया था। गाइस, सबसे पहले तो आप कमेंट करके बताना कि हम हैं कहाँ। ये देखो गाइस, वादियों में भाई, बर्फ ही बर्फ वो देखो। और अभी यो ना उधर जाना है अभी। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ, हम आ रखे हैं हरसिल, हम आ रखे हैं हरसिल वैली में। और ये पूरी मेरे पीछे हरसिल वैली है और हमने आज रात यहीं स्टे किया। ये पीछे हमारा रूम है, मैं आपको बताऊंगा। बाकी अभी तो पूरा बिखरा उखरा है, सामान उमान इधर से उधर हो रखा है। अब थोड़ा हम सोच रहे हैं कि गरतांग गली वगैरह, क्योंकि हमने कल पूछा तो गरतांग गली वगैरह शायद बंद हो रखा है बोला, सुनने में आया है। तो उसके उधर बोला हरसिल वैली आगे है, मतलब यहाँ से पता नहीं धरास, पता नहीं क्या बोला उन्होंने, धराली पता नहीं क्या बोला, अजीब सा नाम बोला। तो यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे है तो वहाँ चलते हैं। और बाकी यहाँ से ना 25 किलोमीटर आगे गंगोत्री भी है, तो देखते हैं अगर बर्फ़ ज़्यादा नहीं पड़ी होगी जाएंगे वहाँ भी। वहाँ ये करते हैं, जो मिलिट्री वाले रहते हैं वो जाने नहीं देते, क्योंकि कैंट एरिया है ये पूरा, आगे कैंट एरिया लगता है पूरा। तो वहाँ ना गंगोत्री में, जो आजकल तो कपाट वैसे भी बंद है, सबको पता ही है, जो मिलिट्री वाले होते हैं अगर वहाँ बर्फ़बारी ज़्यादा रहती है तो मिलिट्री वाले जाने ही नहीं देते। क्योंकि देखो गरदांग गली भी बंद हो रखा है, शायद वहाँ भी यही वाला सीन होगा, बर्फ़ वगैरह होगी वहाँ, तो तभी मुझे लग रहा कि जाने नहीं दे रहे होंगे। तो चलो गाइज, अभी हम उठ रहे हैं, थोड़ी देर पहले उठ गए थे, वैसे तो कब के उठ गए थे। और हमारा बताओ क्या सीन बन रहा था कि 5 बजे हम पहले घूमने उमने जाएंगे, भाई उठे तो, लेकिन कोई कहना नहीं। तो अब चलते हैं, थोड़ा तैयार वगैरह होंगे और मिलाता हूँ मैं फिर आपको जहाँ जाएंगे। बाकी हरसिल पहुँच रखे, आपको मैंने बता ही दिया हरसिल हम। और बाकी यार नज़ारे देखो भाई, धूप आने का तो नाम ही नहीं है यार। और बाकी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में ना, हाथ मुँह धोते हैं और तैयार वगैरह होते हैं फिर चलते हैं। सो गाइस, रेडी हो चुके हम और अब निकलने की तैयारी हो रही है। अब देखते हैं कि गंगोत्री का क्या प्लान बनता है। तो अगर वहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ी रहेगी तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि भाई वहाँ जाने नहीं देंगे, मिलिट्री वाले जाने नहीं देंगे। और बाकी देखते हैं, अभी यहाँ से बस चेकआउट करते हैं। बाकी ताला वगैरह इन्होंने लगा दिया भाई, मैं अंदर जा रहा था, इन्होंने ताला वगैरह लगा दिया पहले ही, और फिर भैया और उधर ही है तो मिलाता मैं उधर ही। और हमने ना कोल्ड स्टार्ट भी करी गाड़ी अभी, तो मैं अब उसकी वीडियो बता दूंगा आपको। तो चलो फिर चलते हैं और भैया और से मिलाता हूँ, ठीक है। ये हसीन वादियाँ, चलो यार बिना देरी करे चलते हैं और निकलना भी है भाई बहुत, अभी धीरे धीरे जाना है, जैसे कल आ रहे थे हम बर्फ़ में तो वैसे ही आते। चलो फिर। और गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी बाइक के सामने और कोल्ड स्टार्ट वगैरह हमने कर लिया था। और ये चेक करो भाई, तीनों दोनों के दोनों साथी, ये भाई व्यान मजा आया यहाँ भाई, खतरनाक भाई यार। कल का ना सीन हो रखा क्या, GoPro में जितना हमने माइक लगा रखा था ना, कोई वॉइस नहीं आई उसमें। अब देखना पड़ेगा, अब वॉइस वो करनी पड़ेगी। हाँ तभी तो सिस्टम उड़ गया, सिस्टम उड़ गया गाइस, सिस्टम उड़ गया, ठंड लग गई सिस्टम को भी, यहाँ ठंड लग गई। और GoPro आपको पता ही है भाई, ठंड में दिक्कत करता है। और बाकी ये देखो, ये NS है, ये Ntorq है, और ये है हमारी 390। Ntorq को गाइस अभी दिया नहीं हमने, और उत्तरकाशी में छोड़ना अभी, क्योंकि हमने कहा पहले घूम के आते हैं सब सोलो राइड भाई, क्योंकि यहाँ ना बर्फ़ वगैरह पड़ी हुई है, तो हमने कहा सोलो ठीक रहेगा। तो अब चलते हैं, बाकी कोल्ड स्टार्ट वगैरह हो गया था हमारा और अब निकलते हैं आगे के लिए, गंगोत्री की साइड जा रहे हैं। अब देखते हैं बाकी क्या प्लान बनता है, और बाकी मिलते हैं आपको आगे, ठीक है। ये पूरा टेंट एरिया है, और ना जहाँ मैंने जानबूझ के शूट नहीं किया भाई यार, मना करते हैं, सबको पता ही है। और बाकी अब देखो आगे, ये देखो यार भाई आगे देखो क्या मस्त लग रहा है भाई। माइक में तो अपना जलवा दिखाई दिया, आवाज़ वगैरह कुछ आई नहीं कल वाले ब्लॉग में, वॉइस ओवर करी मैंने, और अब चल रहे हैं बस, बाकी चलते हैं आगे। अरे गाइस व्यान पहुँच गया यहाँ पे, व्यान सबसे पहले, यह ये देखो नजारा दिखाते हैं, नजारा तो है यार, ऊपर है कोई नहीं, वहीं जाना। अरे देखो यहाँ के भाई व्यू देख रहे हो आप, भाई साहब भाई मस्त मस्त मस्त। और गाइस यहाँ से हरसिल से आगे जा रहे हैं, यहाँ से ना 25 किलोमीटर है गंगोत्री। अब देखते हैं कि कैंट एरिया जो मिलिट्री वाले हमारे वो जाने देते हैं या नहीं जाने देते, क्योंकि बर्फ़ तो पड़ी हुई है गाइस, और अभी तो साइड साइड है वैसे, यहाँ पे ना जो रोड पे पड़ी है ब्लैक आइस है। और बाकी यार देखते हैं कि जाने देंगे या नहीं जाने देंगे भाई। कल तो बर्फ़ में मतलब ना हो गया था एक बार, सीन शॉर्ट हो गया था, लेकिन बच गए थे, ऐसा कोई वो नहीं हुआ, बट डिसबैलेंस हुई गाड़ी, क्योंकि यार सबको पता है ब्लैक आइस में गाड़ी चलाते समय हम मोबाइल का प्रयोग ना करें, हम तो कैमरे का करेंगे गाइस।
हम तो कैमरे का कर रहे हैं भाई। बाकी देखो यार लद्दाख आ गए गाइस, हम मिनी लद्दाख आ गए गाइस। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और बाकी बिना देरी करके यार आगे निकलते हैं और मिलता हूँ मैं डायरेक्ट आपको आगे। ये वाली लोकेशन है, ये हम पहुँच चुके हैं धराली, इस जगह का नाम है धराली। और इससे आगे शायद अभी जो गट्टांग गली वाला रूट कटता है शायद इधर उधर कटते होंगे। गाइस ये देखो भाई लद्दाख पहुंच गए हम। और गाइस ये देखो भाई अलग अलग उसमें जैसे हम आगे आगे जा रहे हैं देखो और बर्फ मिल रही है और धीरे धीरे बर्फ भी पड़ने लग गई है। और भाई नज़ारे कुछ ऐसे हैं कि बस मतलब पूछो मत यार, जो हर्षिल आएगा उसी को पता होगा। पर ऐसे नहीं कि जब बर्फ़ नहीं होगी, हाँ जब बर्फ़ होगी भाई तभी आना। और यहाँ पर मैं एक डायलॉग मानना चाहता हूँ कि गाइस हम हर्षिल आए और बर्फ़ ना पड़ी हो। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में आपका स्वागत है गाइस। ये है पार्क, राष्ट्रीय पार्क, ये नेशनल पार्क बोले तो। गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं गंगोत्री धाम में। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं कहाँ, गंगोत्री धाम में। तो यहाँ तो भाई अभी सबको पता ही है कपाट तो बंद ही रहते हैं और बाकी यहाँ पूरा वन है, पूरा वन। और मेरे पीछे ये देखो भाई, ये देखो ये है यहाँ का एंट्रेंस। और अब चलते हैं, और अब चलते हैं, ये दिखाता हूँ मैं आपको, इसको पढ़ लेना आप, स्क्रीन शॉट ले लेना इसका, ठीक है। और बाकी भैया और आगे भाग गए, ठीक है हमको छोड़ के भैया और आगे भाग गए। और गोप्रो ने तो पूरा वो कर दिया भाई, गोप्रो ने दम तोड़ रखा है, ठंड लग गई उसको खतरनाक। चल रहा है फिर बंद हो जा रहा है अपने आप, चल रहा है बंद हो जा रहा है, ठीक है। आपको दिखाते हैं आप गंगोत्री टेम्पल और कराते हैं थोड़ा बहुत दर्शन, दर्शन तो हो नहीं पाएंगे भारी बार से करवाते हैं, तो चलो। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री धाम में और मैं आपको दर्शन कराता हूं। कैसे कराऊं अपने पीछे, तो ये चेक करो गाइस, गंगोत्री धाम कपाट वगैरह सब बंद है और बाकी देखो चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है। और भैया और तो अंदर बैठ गए, चाय पीने चले गए। और विहान को देखो वहीं पे से लगा हुआ है, उसने जूते वगैरह निकाल दिए। भैया और विहान जा रहे हैं अंदर, और बाकी भैया उन्होंने अंकल उन्होंने कहा था चाय पी लो ठंड लग जाएगी, और मैं भी जा रहा हूँ अंदर। और बाकी आपने ये देखो यार सुकून है भाई, सुकून यही है सुकून बस, और कुछ नहीं है। तो गाइस बताऊँ क्या होता है यहाँ ना, जब बर्फ़बारी होती है ना तो कबाड़ तो आपको पता ही है कि बंद हो जाते हैं, और जो और मतलब ये सारे दुकान वगैरह हैं ये सारे बंद हो जाते हैं, होटल वगैरह सारे बंद हो जाते हैं। ये देखो एटीएम भी है भाई, सब चीज़ें यहाँ। और भैया और तो चले गए अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ना गर्भगृह का फ़ोटो लेना सख्त मना है, मतलब अंदर, बाहर कोई वो नहीं है। अंदर तो सबको पता होता है कि भाई वीडियो नहीं बनानी चाहिए, कहीं भी हो अंदर की वीडियो नहीं बनानी चाहिए। और गाइस ये देखो यार बर्फ़ पड़ रही है भाई खतरनाक, ये देखो धीरे धीरे, ये देखो देखो आपको वीडियो में दिख रहा होगा, देखो बर्फ़ भारी हो रही है, ये देखो भाई खतरनाक, ये देखो सेट मज़ा आ रहा है भाई, और कुछ नहीं, ठीक है भैया और कुछ नहीं भाई, वो अंदर अंदर भाग जा रहे हैं बज्जी, थोड़ा सा दिखा दिया वाल बज्जी, हो गया हो गया हो गया, ठीक है। तो चलता हूँ मैं भी, ठंड लग रही है और मैं भी चाय पीता हूँ। और बाकी यार बर्फ़ पड़ रही है, मैं तो बोल रहा हूँ थोड़ा और तेज़ तेज़ पड़ने लगाती ना मज़ा आता, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। और गाइस फाइनली हम पहुँच गए थे गंगोत्री धाम में, और हम ना वहाँ नीचे आए थे, गंगोत्री धाम हमारा वो रहा। और भाई जो बर्फ़ पड़ रही है ना ये देखो भाई, कसम से लिटरली मतलब इतना मज़ा आ रहा है पूछो मत यार भाई। हर्षिल ने आए बर्फ़ नहीं देखी तो क्या किया। और ये देखो ये देखो ये देखो, और विहान उधर साइड जा रखा है थोड़ा, ठीक है। और ये देखो भाई को, भाई देख ली आज बर्फ़ देख ली ना गाइस, बताऊँ क्या सीन था, इन्होंने बर्फ़ नहीं देख रही थी, विहान ने भी नहीं देख रही थी, भाई ने भी देख रही थी, फुल पैसा वसूल हो गया हमारा। और भाई हमारे चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ और हम सुकून की वादियों में। तो गाइस अब यहाँ से चलते हैं फटाफट फटाफट, तो देखते हैं अब कहाँ जाते हैं। हम सोच रहे हैं कि अगर टाइम मिला तो जहाँ तक मतलब हम पहुँच सकते हैं वहाँ चलते हैं, और बाकी निकल जाएंगे देखते हैं। क्योंकि देखो यहाँ ना मौसम हो रहा ख़राब, यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ रही है, अगर मिलिट्री वालों ने बंद कर दिया ना तो हम यहीं फंस जाएंगे। तो चलते हैं फिर और बिना देरी करे निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। और विहान ना गोरा, विहान चलते हैं ना यो। और गाइस चलो चलो गाइस, और गाइस ना भाई गोप्रो ने बहुत दुखी कर रखा है कसम से, मतलब ना ठंड में वो काम ही नहीं कर रहा भाई, थोड़ी सी वीडियो बन रही है फिर बंद हो जा रहा है, ठीक है। तो हम आईफोन से वीडियो शूट कर रहे हैं। और बाकी यार ये देखो हमारे पीछे यार फुल फुल फुल, तो चलो फिर
अब मिलते हैं, अब डायरेक्ट आपको नीचे मिलेंगे जहाँ रूम है हमारा, और देखते हैं वहाँ का क्या सीन बनता है। चलो सो गाइस, फाइनली हम गंगोत्री धाम से कल आ गए थे, और भाई इतनी बारिश हो रही थी ना, तो जो कैमरा भी डेड पड़ गया था, और गोप्रो तो भाई धोखा ही दे रहा है बार बार। ये देखो मेरे पीछे वियान, थोड़ा वीडियो वगैरह शूट कर रहे थे हम। भाई बारिश ना अब जाके रुकी है, 11 बज गए यहाँ, 11 बज गए भाई यहाँ, और अब जाके बारिश रुकी। और यहाँ का मौसम देखो यार गाइस, पूरी बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है भाई, रात जो हुई है ना पूरी बर्फ ही बर्फ। आहा ये देखो चारों तरफ, ये देखो उधर से भैया हाय कर रहे हैं। ओए भाई, ओए गाइस, वो है हमारा रूम, जो ये देखो मैं जूम करके बताता हूँ आपको, ये हमारा रूम है वहाँ पे, ठीक है। हेलो, इग्लू इग्लू देखो इग्लू भाई, मजा आ रहा है ना यहाँ, फुल मौज आ गई भाई। ये देखो भाई, ये इग्लू का है गाइस, इग्लू देखो उधर साइड वहाँ पे। तो गाइस अब सीन ये है कि बारिश वगैरह सब रुकी हुई है, तो हमको मतलब उत्तरकाशी पहुँचने में ना 3-4 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। 11 बज रहे हैं, 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक पहुँचेंगे हम उत्तरकाशी, क्योंकि बर्फ़ पड़ी हुई है खतरनाक वाली, ठीक है। रास्ते में भी बर्फ़ पड़ी हुई है, तो गाड़ी वगैरह स्लिप होने में डर है, और जो हमारे स्कूटी है वो उत्तरकाशी में दे देंगे। और किसका है फ़ोन? मम्मी का। ऐसा बोला, जरा वीडियो शूट चल रही है, एंडिंग चल रहा है, जरा आप घर यहाँ से निकल लें तब। और गाइस मम्मी का कॉल भी आ गया है, मम्मी बोल रही होगी कहाँ गए भाई तुम, कहाँ गए, और मम्मी को बोल दे भाई यार टाइम लगने वाला खतरनाक। और गाइस कल तो यहाँ उन्होंने जो मिलिट्री वाले थे उन्होंने बंद कर दिया था, तो हम इसलिए हमने सोचा था पहले कि उत्तरकाशी चल जाएंगे, लेकिन भाई बारिश भी हो रही थी तो उन्होंने जाने नहीं दिया। तो अब निकलते हैं, अब देखते हैं भाई क्या सीन है। वैसे तो बर्फ़ पड़ी हुई है, वो बोलेंगे कि जाना आराम से जाना। वो देखो रोड, वो है भाई, वो है रोड, उसमें ही देखो क्या खतरनाक बर्फ़ पड़ी हुई है, तो फिसलन बहुत होगी। तो चलते हैं हम भाई, क्या बोलें तब, अब निकल। हम हरसिल आए थे, और बाकी जो मज़े किए ना हमने यहाँ, भाई विहान ने भी नहीं देखी थी और भाई ने भी नहीं देखी थी बर्फ़ पड़ते हुए, फाइनली सपना पूरा हो गया। लाइव देखा, लाइव लाइव देखा भाई, लाइव लाइव, और शूट भी करा हुआ है, बहुत अच्छे से कर रखा है शूट। और अब धूप भी आ रही है धीरे धीरे, मौसम देखो यार तुम, मौसम चेकआउट करो। और अब निकलते हैं यहाँ से, और भाई भी पता नहीं चेकआउट मतलब जो रूम है भैया वहाँ सफाई सफाई तैयार तैयार हो रहा है। हम तो हो गए, बस मैंने राइडिंग जैकेट डालनी है और नीचे से पैंट डालनी है, बस जी, ठीक है। भाई भी वहाँ सफाई सफाई चल रही है भाई की, और जो मतलब जिनका होटल है वो भैया और तो 12-1 बजे तक आते हैं बोला, तो उन्होंने कहा था मतलब चले जाना, तुम चले जाना, बाकी पेमेंट वगैरह हो गई थी हमारी। और गाइज हमको यहाँ रूम मतलब ठीक ठाक पड़ गया था, अच्छे से पड़ गया था रूम हमको, पड़ा यहाँ 2-2 हज़ार रुपये का रूम पड़ गए थे, अच्छे से पड़ गए थे, ऐसा कोई वो नहीं है। बाकी कहीं कहीं ना ऐसा है सीन कि अभी तो ये है ना कि ऑफ सीज़न है, तो ऑफ सीज़न में मतलब थोड़ा है नहीं कुछ, तो जब सीज़न चलते तो भाई उस टाइम बहुत महंगे रहते बोला। तो एक दो जगह हमने पूछे तो भाई 1800 रुपये का पर बंदा बोला, 1800 रुपये का पर बंदा, लेकिन हमको मिल गया था होटल अच्छे से। तो जो भी आने की सोच रहा होगा तो व्लॉग के माध्यम से देख लेना, बाकी मैंने आपको बता दिया। तो चलो फिर गाइज निकलते हैं यहाँ से, है ना, अब व्लॉग को भी करते हैं अब एंड। तो भाई तो वहाँ है, भाई को क्या बोलना, मम्मी का कॉल आ रहा था अभी। तो चलो फिर गाइज यहीं पर व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो बताना हमको कमेंट करके, हर्षिल की जो बर्फ़ वगैरह किसी ने देखी नहीं होगी, तो हमने तो दिखाई दी, तो कमेंट करके बताना कैसी लगी। तो करते हैं यहीं पे इस व्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लेट इट लर्न, बी सेफ एंड राइट सेफ गाइस, टी।